मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। चरखारी शहर काजी मोहम्मद आरिफ के नेतृत्व में वसीम रिजवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 36 आयतें हटाए जाने के संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा जामा मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद एकत्रित हुए लगभग 500 लोगों ने जुलूस निकालकर गोलाघाट घड़ी मस्जिद चौराहा पर वसीम रिजवी का पुतला फूंका। इसके उपरांत SDM राकेश कुमार को महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वसीम रिजवी को इस तरह की कृत्य के लिए धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और धार्मिक उन्माद फैलाने के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो किस संबंध में आज ज्ञापन आप लोगों ने SDM चरखारी को सौंपा है, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक के ताल्लुक से आयतें 26 आयतें हटाई जाने के ताल्लुक से जो चल रहा है, इस संबंधित में जो है हम लोगों ने आज यहाँ पर SDM साहब को हाजिर होकर जमा होकर जो है ये ज्ञापन दिया है कि इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जो सज़ा है वो गुस्ताख रसूल की जो सज़ा है, गुस्ताख कुरान की जो सज़ा है, वो सर से तन से जुदा होना चाहिए। इसके लिए जो है हम सब लोगों ने आज जमा होकर SDM साहब को यहाँ पर तहसील में ये ज्ञापन दिया है और चौराहे पर पुतला फूंका और पचराहे पर वसीम रिजवी का पुतला फूंका गया, जिसको मुर्दाबाद के उसके नारे लगाए गए और ये वहाँ पर दिया गया ये यहाँ SDM साहब के लिए। ठीक। चरखारी से खबर समय जगत के लिए ब्रजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।